हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है बजाज की पल्सर RS 200 के ऊपर। आज मैं आपको इसके बारे में कुछ अपडेट दूंगा कि इसका एक न्यू मॉडल आपको कब तक इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, बात करें बजाज पल्सर RS 200 की, जिसका आपको काफ़ी सालों से सेम मॉडल ही देखने को मिलता है। कम से कम 5 से 6 सालों से आपको RS 200 में कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला, वही सेम बाइक को एक मार्केट में आपको देखने को मिलती है। इसीलिए काफी सारे लोग यामा R15 को प्रेफर कर रहे हैं RS 200 की जगह। तो इसी को देखते हुए बजाज वाले RS 200 का अपडेट वर्जन लाने वाले हैं। तो बात करें उस वर्जन की, तो उसमें आपको टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलेगी, पावर आपको सेम अभी वाली पल्सर जैसी देखने को मिलेगी और इंजन आपको इसमें 200cc का देखने को मिलेगा। बात करें कुछ फीचर्स की, तो उसमें आपको डुअल ABS देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी एरोडायनामिक्स भी देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी जो आपको इस वाली पल्सर में देखने को मिलते हैं फीचर पुरानी वाली में, वो सब देखने को मिलेंगे। बाकी उसमें आपको अपग्रेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बात करें गाइस अभी वाली पल्सर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो अभी वाली पल्सर में आपको 200cc का इंजन जो प्रोड्यूस करता है 24.5 BHP की पावर 9750 RPM की टॉर्क पर, 18.7 Nm की टॉर्क 8000 RPM पर। बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। इस वाली पल्सर में भी आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। तो इसको गाइस काफी अपडेट की जरूरत है अब RS 200 को जल्दी से इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो बात करें इसके लॉन्च की कि आपको कब तक इसका लॉन्च देखने को मिल सकता है, तो न्यू बजाज RS 200 का लॉन्च आपको इस साल सितंबर में या लास्ट में देखने को मिल सकता है। गाइस बजाज ने खुद कंफर्म करा है कि वो बजाज की 2 बाइक लॉन्च करने वाले हैं इस साल में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो RS 200 को अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।